अच्छा एंट्री फीस 200 रुपये, तो यहाँ पर स्टाम्प रेट लगा आपके लिए शायद। हाँ, और इसमें चाय कॉफ़ी भी है ना? लिखा 300 है। अच्छा, और क्या कहते हैं लिए 200 है। अच्छा अच्छा, और इंक्लूड है इसमें आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया। हाँ है, वो सबके लिए है ना, जो भी आएगा। जो भी आएगा, बट हम पीते नहीं है चाय कॉफ़ी। इस पॉइंट का नाम क्या है वैसे वीर? कौन सा, यहाँ पे? हाँ, जहाँ पर अभी हम हैं। ये हुआ, ये जैसे ये चौकोड़ी बुबू का मंदिर हुआ यहाँ पे। अच्छा, ये चौकोड़ी बुबू, यानी कि इस विलेज का नाम चौकोड़ी यहीं से पड़ा है, मतलब है मान्यता यही है फिर। अच्छा, चौकोड़ी बुबू थे यहाँ पर पहले। अच्छा, अच्छा, और एक प्रकार से अभी व्यू पॉइंट भी है, क्यों? क्योंकि पार्किंग वगैरह के लिए भी बेस्ट है यहाँ पर लोकेशन। और सामने से भाई अगर देखो तो सीधे हिमालय का रेंज दिखती है, ये वाइट पर्वत दूर दूर तक। ओए होए, गजब, मज़ा आ गया यार। मतलब फोटो शूट के लिए हो गया या पिकनिक के लिए भी सही है। हाँ, शाम के समय तो और अच्छा लगता होगा, जब सनसेट होता होगा शाम के टाइम में। अभी इससे बढ़िया वहाँ से दिखते हैं। एक बताओ, एक मॉर्निंग में अच्छा लगता होगा यहाँ पर जब सूरज उगता है, और एक शाम को जब सूरज डूबता है ना, तो उस टाइम पर बहुत ही बढ़िया छटा दिखती होगी यार यहाँ पर की। ये देखो ना, ओहो, जब अब 31 को आएंगे तो इस वाली पहाड़ी में जाएंगे। अच्छा, ये सामने जो दिख रही है। अच्छा, ये वाली। अच्छा, से और भी बढ़िया, और भी अच्छा दिखते हैं ये यहाँ पर सामने। हाँ, ठीक 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 ठीक। तो हमेशा वहीं जाते हो आप? हमेशा 31 में। 31 में, क्या बात है। चलो इस बार हम भी चलेंगे फिर। हाँ, तो गाइज अब मैं आ गया हूँ भाई मंदिर में, जिसका नाम है चौकोड़ी बुबू का मंदिर, चौकोड़ी मंदिर इसको कहते हैं। तो उन्हीं के नाम से ये गांव भी चौकोड़ी नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि चौकोड़ी बुबू का निवास स्थान शायद यहाँ पर हुआ करता था। हिस्ट्री मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जितना मैंने भानिश अभी पता किया तो मैंने कहा क्यों ना यार, अब यहाँ पर आए हैं तो मत्था टेक के जाएँ। और साथ ही साथ इस वीडियो का इंटरव्यू हम कर ही देते हैं आपको। मैंने इस वीडियो में तीसरा पार्ट है ये, पूरा टाइटैनिक शिप का मैंने आपको दिखा दिया रिजॉर्ट का, कि किस तरीके से वहाँ रहना है, खाना है, और किस तरीके से वहाँ कमरे का चार्ज है, क्या है, जो भी है मैंने आपको सब दिखा दिया है। बाकी अब इस वीडियो के एंडिंग के लिए मैं आ गया हूँ भाई इतने सुंदर ब्यूटीफुल मंदिर में, तो इससे अच्छी एंडिंग और क्या ही रहती है। तो यहाँ पर कुछ चढ़ावा हम चढ़ाएँगे और मत्था टेकेंगे, ठीक है, फिर चलेंगे हम आगे को। जय चौकोड़ी बुबू की जय हो। सो गाइस, अपने उत्तराखंडी की यही तो खूबसूरती है यार, यही पहचान है, ठीक है ना। और यहाँ पर आकर बहुत ही मन को, मेरे को जो एक वो थी ना, उथल पुथल मन के भीतर, मतलब शांत, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। तो मैं तो कभी भी अगर चौकोड़ी आऊँगा, कभी भी अगर चौकोड़ी आऊँगा तो दो जगह ज़रूर आऊँगा, एक यहाँ पर मंदिर पर और एक शिप पर। हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि बस उड़ के चले जाऊं और उन ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर उड़ता रहूं, देखता रहूं, उन पर बैठा रहूं और निहारता रहूं। अब भाई चौकोड़ी से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन साथ ही साथ भाई मैं अपने साथ ले जा रहा हूं यहाँ की यादें, और मतलब
दिल में बैठ गई यार ये जगह। आपको यहाँ की टाइटैनिक वाली शेप आप देख सकते हैं जस्ट पीछे। जो फेमस रिजॉर्ट है वो मैंने आपको दिखाई, यहाँ का कल्चर मैंने आपको दिखाया, और ये प्यारा शहर मैंने दिखाया, ये प्यारा विलेज मैंने आपको दिखाया, संजय दासिया मैंने आपको मिलाया जो फार्मिंग कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं और साग सब्जी अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो बहुत कुछ मैंने आपको दिखाया और इतना प्यार मिला ना आपका, मैं क्या बताऊँ यार। सो गाइस फिलहाल अब इस जगह को, इस खूबसूरत और ब्यूटीफुल जगह को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है, तो अब निकलते हैं हम पिथौरागढ़ की तरफ, और पिथौरागढ़ पहुँचने के बाद हम निकलेंगे सीधे वड्डा की तरफ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो का एंडिंग मैं अपने घर पर करूँगा। तो ये देखो भाई मधुमक्खियों का घर, ए मुझे काट भी सकती हैं तो थोड़ा सैड हो जाता हूँ। जा रहे हैं और भानिज के खेत से मूली भी ले जा रहे हैं यादगारी में, तो मूली भानिज की बहुत ही प्यारी प्यारी है, सफ़ेद सफ़ेद गोरी गोरी, पता नहीं हांगकांग से लाए थे तो मानिज बहुत ज़्यादा नहीं, दो चार शाम को सलाद के लिए, ताकि हम वड्डा में चौकड़ी की मूली का स्वाद लें। सो गाइस मैं जाते वक्त कर रहा हूँ बाय बाय पंचाचुली रेंज को पूरी, और बानी जी यहाँ पर बिल्कुल ताव के साथ गाड़ी चलाते हुए, भाई सिंगल लेन है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हर समय तो मानी यहाँ पर यार सरकार अगर बना देती ना डबल लेन तो टूरिज्म और बढ़ता नहीं बढ़ता। फिर अब यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है कि जो गाड़ी ऊपर की तरफ आ रही है तो हमने देना पड़ रहा है भाई पास बैक में जाके, क्योंकि सीधी सी बात है चढ़ाई में चढ़ने वाली गाड़ी को पास तो देना ही पड़ेगा है मानी। ये कौन सा गाँव है? ओढ़ारी बैंड। सो गाइस ये है भाई ओढ़ारी बैंड, तो यहाँ से हम लेंगे सीधे पिथौरागढ़ की तरफ। पानी गाड़ी में पानी वानी मार रहे हैं दो चार बाल्टी, क्योंकि धूल धक्कड़ इतनी हो गई थी ना तो बहुत ही गंदी हो गई है मतलब गाड़ी ना, तो पानी अभी धुलाई कर रहे हैं गाड़ी की नॉर्मल तरीके से। बाकी गाइस कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर अपनी राय देना कि ये वाला सफ़र आपको कितना अच्छा लगा, ठीक है। तो अब हम पहुँचेंगे मुआनी, कल हमने क्रॉस कर दिया है।
भाई मैं तो सीधे अपने कमरे में आके सो गया, बाकी नीचे माँ के वहाँ आया, शायद मम्मी के वहाँ बैठे हैं भानिज लोग। मतलब यार इतनी भयंकर थका ना, एक बात तो क्लियर है यार, बाइक कर सको कार में चैन नहीं आता यार, और मैं पहले से ही बाइक चलाता आया हूँ, अगर मैं बाइक में जाता ना चकोड़ी तो इतनी थकाई लगती, लेकिन अब देखो बंद गाड़ी में गए हम, फिर भी मतलब जो है कि थकाई लग गई हमें, पता नहीं हमें भगवान ने किस टाइप का शरीर दे रखा है। बाकी गाइस ऑसम व्यू था चकोड़ी का, मज़ा आ गया। मज़ा क्या आ गया यार, दिल्ली जीत लिया उस शहर ने, शहर क्या शहर से भी बड़ा है यार, मतलब देखो ना कितने बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं आप वहाँ पर ओपन हो रखे हैं यार। कभी जाऊँगा यार मैं, अब जाऊँगा मैं अपनी एवेंजर लेके, जब भी जाऊँगा मैं आपको अपडेट तो दे ही दूँगा। बाकी गाइस बहुत अच्छा लगा, खासकर मुझे वो टाइटेनिक वाला जो रिजॉर्ट था ना भाई साहब, A1 लगा, A1 मतलब फर्स्ट क्लास। तो भाई कभी हम भी इतने पैसे वाले हो जाएंगे तो छुट्टी मनाने उस रिजॉर्ट में तो पक्का जाएंगे यार, अभी तो फ़िलहाल तुम्हारा भाई गरीबी है। कि मुझे कैसा लगा तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक बार ज़रूर जाएं, और वो टाइटेनिक वाले रिजॉर्ट में भी जाएं आप, क्योंकि भाई उसके अंदर जो व्यू पॉइंट है, जो मतलब बाहर से बालकनी से दिखता है ना, ओए होए होए पंचाचुली पीक क्या दिखती है यार, पूरी हिमालय रेंज दिखती है। पहुंच गए थे हम, मतलब उधारे उधारे पहुंच गए थे, फिर मैंने दाढ़ी आड़ी बनाई क्योंकि धूल धक्कड़ हो गई थी, दाढ़ी भी 2-3 दिन से बनाई नहीं थी, दाढ़ी वाड़ी बनाई, वॉश किया चेहरा और सीधे घुस गया बिस्तर में। तो अभी मतलब घड़ी भी नहीं है, घड़ी जब से सेल ख़त्म हो गया है घड़ी का, देखो कम से कम एक हफ्ते से घड़ी यहीं रख के गया था मैं, अभी तो पता नहीं कहाँ है, बच्चों ने शायद कहीं और रख दिया, तो यहाँ पर रहती थी हमारी घड़ी, अब खाली कीली कील रह गई है। कौन है ये फोटो तुम्हें? मैं हूँ छोटी सी। बचपन में जब मैं छोटे थे तब मैं ऐसी थी, और जब बड़ी हो गई हूँ सांडनी जैसी हो गई है। और ये नन्नू है। अच्छा नन्नू है, रुक जाओ मैं और भी दिखाती हूँ नन्नू की। ये नन्नू है। अच्छा, और ये हीरोइन है मेरी मम्मी। चलो पैर ऊपर करो। हीरोइन हीरोइन आपसे हीरोइन कहा, ठंडा रहा मेरे को तो बाप कर ठंडी क्या हमें तो बढ़िया तरीके से। हर रात तो नहीं के बनाती हूँ, आज ही बनाती हूँ। नहीं हर रात बनाती हूँ, झूठ कितना बोल दी वीडियो में। मार खाई मेरे सिर की चुनती, तो आज मैं आप छी अपने जूने पापा के सिर में डाली। बन गई चाय, बन गई है। अरे हमें दिखा दो जरा, लो तुम्हें भी दिखा दो। दोस्तों मेरे सिर में चिल्लाई ले बाय। मजा आ गया भाई गरम गरम चाय पी के। अब चलते हैं सीधे अपने कमरे में, क्योंकि अब वीडियो करना है मैंने एडिट, तो इस वीडियो को भी एंड करते हैं और जो फाइल तैयार है उसको एडिट करते हैं। सो गाइस ठीक है, फिर इस वीडियो को अब एंड करने का समय आ ही चुका है, क्योंकि अब ज़्यादा लंबा भी क्या ही करें, अभी मेरे को भी थकाई लगी है, आराम भी करना है, और कुछ बहुत फाइल मैंने रखी है वाई लैपी में, उसको भी एडिट वेडिट करके अपना सेव कर देते हैं, ठीक है ना। तभी तो आपको आने वाले वक्त में एक से एक ब्लॉग दिखते रहेंगे। और हाँ, आपके विमल पाल का वादा है आपसे कि बीच बीच में मैं ऐसी ही टूर लगाते रहूँगा, ऐसी ट्रिप मारते रहूँगा, कभी कार में तो कभी बाइक में। सो ठीक है भाई, जैसे प्यार आपने दिया है आज तक अपने द ह्यूमन नेचर को, वैसे ही देते रहना, क्योंकि द ह्यूमन नेचर मेरा चैनल नहीं है, ये आपका है, आप देखते हैं तभी चैनल का नाम है, ठीक है ना। सो ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए रखना, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।